हाय फ्रेंड, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी समीर ब्लॉग में। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को हमारे ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। फ्रेंड, आप देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ मॉर्निंग वॉक पे। आसपास का व्यू देखकर पता लगा सकते हैं कि कितनी ठंड हो रखी है। तो फ्रेंड, सुबह सुबह नेचर का मज़ा लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जो सुबह वॉक करने के लिए निकलते हैं वही बता सकते हैं कि सुबह का वातावरण कितना शांत होता है। ये मेरे घर साइड का गली है फ्रेंड, तो देख सकते हैं अभी हम अपने घर पहुंचकर आप लोग से मिलेंगे। घर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं अभी हम घर पे हैं और अब जल्दी जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म करते हैं। पहले झाड़ू पोछा, घर का सफाई कर लेते हैं, फिर आज हम बनाएंगे मकई का घाटा। तो घाटा क्या होता है आप लोगों को वीडियो में बताएंगे, पूरा बने रहिए, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले काम ख़त्म करते हैं, फिर मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, अब जा रहे हैं अपना घाटा बनाते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को दिखाते हैं मकई का घाटा। देख सकते हैं इसी से बनता है घाटा, ये मकई के आटे का एक मिश्रण होता है फ्रेंड, तो इसी से हम लोग घाटा बनाते हैं। तो अभी आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। जो लोग गांव में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उन्हें अच्छे से पता होता है कि ये घाटा क्या होता है। ये बिल्कुल भी कह सकते हैं दलिया की तरह होता है। तो आप लोग इसे बना सकते हैं, जिन लोग गांव में रहते हैं उन लोग अच्छे से जानते हैं कि घाटा क्या होता है, क्योंकि उन लोग के घर में भी ज़रूर बनता होगा। और इसमें बहुत सारा पोषक तत्व तो होता है, तो इसे हमें कभी कभी ट्राई ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड। तो आप लोग भी कीजिए, ये खाने में बिल्कुल दलिया की तरह लगता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। देख सकते हैं मैंने मकई के मिश्रण को इस बर्तन में डाला है, अभी इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसको घोल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बेचटी में बनाएंगे इसको। तो देख सकते हैं इस तरह से हम लोग पहले इसमें जो है अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे इस प्रकार से। ये बिल्कुल खाने में दलिया की तरह लगता है, आप देख सकते हैं दरदरा टाइप से है कुछ, करीब से देखिए। पकने के बाद बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सारा भर भर के पोषक तत्व रहता है, इसलिए हम इसको साल में एक दो बार जरूर ट्राई करते हैं। जो गांव से बिलोंग करते हैं अच्छे से पता है कि घाटा में कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है। और हम लोग का घाटा बन के रेडी है, आप देख सकते हैं इधर हम लोग थाली में लगा लिए हैं, खाने के लिए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं मस्त धूप में बैठ के हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसके साथ आलू बैंगन का भरता है और ये घाटा जो बनाए हैं। तो हम लोग दोनों जन खाने के लिए जा रहे हैं, लिक्विड की तरह ही। तो फ्रेंड अभी टेस्ट करने जा रहे हैं, इसमें हल्का सा नमक डाले थे, तो देखते हैं मत बना। बहुत यम्मी है फ्रेंड, बहुत यम्मी खाने में लग रहा है। अभी खाना पीना खा लिए हैं और अभी छत पर बैठ के धूप का मज़ा ले रहे हैं। तो देख सकते हैं इधर मेरा बागवानी, छोटा सा किचन गार्डन, इसमें बैंगन लगा हुआ था तो बैंगन भी थोड़ा हरा हो गया है। तो फ्रेंड अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।